अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं उर्दू HTV। सुल्तान अहमद संजार। सुल्तान अहमद संजार सलजूकी सल्तनत का अजमत व शान वाला बादशाह था। सलजूक खानदान का छठा सुल्तान मुइज़ुद्दीन अहमद संजार बिन मलिक शाह बिन अली परसलान सलजूक सुल्तान है। वो सलजूक खानदान के छठे सुल्तान थे और उनका नाम अबुल हारिस संजार बिन मलिक शाह अव्वल बिन अली परसलान बिन दाऊद बिन मिकाइल बिन सलजूक बिन दकाक है। उसकी वालदा एक लौंडी थी और उसके नाम ताजदीन खातून अल सफरिया था, जो सुल्तान मलिक शाह बिन अली परसलान की गुलाम थी। सल्तनत मलिक शाह सलजूक का तीसरा बेटा था। उसकी हुकूमत खरासान गजना ख्वारज़म और मावरा अनहर तक फैली हुई थी। इसका नाम खतबा मेन ईरान आर्मेनिया अजरबैजान मोसल दियार रबिया दियार बकर और हमीन हरमीन तक पढ़ा जाता था। 1092 में खरासान पर काबज हुआ। उसके बाद फारस का बादशाह भी तस्लीम किया गया। सुल्तान संजार ने गजनवी खानदान के बादशाह बहराम शाह को खराज गुजार बना लिया। अलाउद्दीन पाशा गौर ने बराहम शाह को शिकस्त दी और गजनी ले लिया और यही अलाउद्दीन फिर भी सुल्तान संजर का मती हुआ। नोट, मलिक शाह की वफात 1092 में हुई। उसके बाद मदरजा जैल अक्षाश हुक्मरानी में आए सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद अव्वल। मलिक शाह की औकात के बाद उसने हुक्मरानी का ऐलान किया। ताहम वो सल्तनत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहे और जगह जगह बगावतें फूट पड़ीं और सल्तनत मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई। सिर्फ 2 साल बाद ही 1094 में वो मार दिए गए। उनके अहद में मलिक शाह की बीवी तारकन खातून, जिनको महल में खासन असर व रसूख हासिल था, उसने अपने कम उम्र बेटे को सुल्तान बनाने की कोशिश की। उसके अलावा मलिक शाह के बेटे वरिया क्या रोक बी ने भी तख्त संभालने की कोशिश की। नंबर दो रुकनुद्दीन अब्बुल मुजफ्फर बरकियाक इबन मलिक शाह। बरकियाक 1094 में सल्तनत के हुक्मरान बन गए और उनका ज़्यादातर अरसा दूसरे सलजूक शहजादों से लड़ने में गुजरा। 1105 में इंतकाल तक बादशाह रहे। मरने से पहले अपने बेटे मलिक शाह के दौम को नया सुल्तान मुकर्रर किया, मलिक मोहम्मद तपार। मलिक मोहम्मद तपार अपने भतीजे मलिक शाह सानी को माजूर करके सुल्तान बने और बगदाद के इलाके पर कंट्रोल हासिल किया। दूसरी तरफ अहमद संजार खरासान में ताकत पकड़ चुके थे, अमलन वहाँ के हुक्मरान थे। आपकी हुक्मरानी ज़्यादातर इस्माइलियों के साथ लड़ने में गुजरी। आपने किला उल मौत का किले में भी मुहासरा किया था, ताहम उसे फतह ना मिल सकी। 1118 में तपार इंतकाल कर गए और अपने बेटे महमूद सानी को हुक्मरान बनाया। ताहम तपार के बाद सुल्तान अहमद संजार सल्तनत में वाहिद ताकतवर बादशाह था, जिसका हुक्म हर तरफ चलता रहा, यानी खरासान और कुछ इलाकों को मिलाकर संजार 1118 में सलजूक हुक्मरान बन गए। सुल्तान अहमद संजार की बीवी और औलाद, उसने समरकंद की मालका मोहतरमा तारकान खातून बिन अरसलान खान से शादी की और वो अपने सारे सफ़र और जंगजुओं में अपने शोहर के साथ गई। नोट, सलजूक बेदारी ड्रामा में संजार की बीवी का नाम तोड़ना रखा गया है क्योंकि मलिक शाह अव्वल की बीवी का नाम भी तारकान खातून था। इसे तुर्कों के गौस कबाइल ने दोबारा कैद का निशाना बनाया। जब सुल्तान ने कितोआन की लड़ाई हार दी तो उसने उसे 5 लाख दिनार देकर छुड़ा लिया। दूसरी बार वो सुल्तान संजार के साथ उस वक़्त दोबारा गिरफ्तार हुई जब सुल्तान ने गज से शिकस्त खाई थी और सुल्तान संजार अपने पूरे ख़ानदान में अपनी अहलिया से वफादारी करते हुए गज की कैद से भागने की कोशिश नहीं की, जो पूरे 3 साल उनकी कैद में रही। यहाँ तक उसी का उसका उसी हालत में 551 मुताबिक 1157 को इंतकाल हो गया। हालांकि आपको वफादारों ने कई मौके दिए फरार होने के, ताहम संजार मुसलसल इनकार करते रहे कि अगर वो जाएगा तो बीवी का साथ लेकर जाएगा, वरना सारी उम्र मैं कैद में गुजारूंगा। सुल्तान अहमद संजार का कोई बेटा नहीं था। तारीख में सुल्तान अहमद संजार की एक बेटी का जिक्र ज़रूर मौजूद है, जिनसे बाद में अब्बासी खलीफा मुस्तरशद बिल्ला ने 518 में शादी की और सुल्तान अहमद संजार की बेटी के लिए दरियाए दजला पर एक शानदार घर तमीर करवाया। अजीम सुल्तान। सुल्तान संजार को आलम इस्लाम में बहुत बुलंद मरतबा हासिल हुआ। उसे सुल्तान आजम का लकब दिया गया। उसकी शानवा शौकत और अजमत वस्तूत ज़रबुल मिसाल था। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह और संजार का एक मशहूर वाक़या है कि जब इमाम गजाली रहमतुल्लाह पहली मरतबा सुल्तान अहमद संजार के दरबार में हाजिर हुए और संजार पर पहली नज़र पड़ी तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह पर मदहोशी छा गई, अल्लाह अकबर का विरद करने लगे। सब देखकर अहमद संजार हैरान रह गए और तख्त से उठकर इमाम गजाली के रहमतुल्लाह अलैह के पास गा गए। फिर अहमद संजार ने कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ी और इमाम गजाली रूह को उठाया।
इलामा इकबाल ने सुल्तान सन्जर की अजमत व शान को सराया। शौकत सन्जर व सलीम तेरा जलाल की नमवात, फिक्र जुनेद बायजीद तेरा जमाल बेनकाब। अजब नहीं कि मुसलमान को फिर अता कर दें शिकवा सन्जर फिक्र जुनेद व बस्तामी। 8 मई 1157 को सुल्तान सन्जर का इंतकाल हुआ, जिसके साथ ही सलजुकी खानदान का खात्मा हो गया। सुल्तान सन्जर मरोहों में मदफून है।